दो शेर सन, एक बुढ़ा ते एक जवान। उन्हां दोवां दी आपस दे विच बड़ी गूढ़ी यारी सी, बड़ी गहरी दोस्ती सी। होया इस तरह कि किसी गलत फहमी की बिना दे उत्ते दोवां दे विच नाराजगी हो गई ते वो इख्तलाफ इन्ना हो गया कि दोवां दे विच खला पै गया। दोवें एक दूजे तो दूर दूर हो गए। एक दिन होया इस तरह कि जिहड़ा बुढ़ा शेर सी ना, उहनूं कुत्तिआं ने घेर लिया ते चीड़ना पाड़ना शुरू कर दिता। वो बड़ा परेशान होया ते जिहड़ा उहदा जवान दोस्त सी ना, जिहड़ा नाराज़ हो गया सी, उहनूं जिहड़े वेले पता लगा ना कि मेरे बुढ़े यार नूं, मेरे पुराने दोस्त नूं कुत्तिआं ने घेर लिया ते वह नसिया आया। हलाली होण दी निशानी इह वे कि जदों सज्जन नूं पता लगे ना कि सज्जन मुश्किल दे विच, ते सज्जन फिर पैरी जुतियां पाना भुल जाए ते नस के उहदी मदद नूं पहुंचे। जी, ये चंगे खून की निशानी। वो जिहड़ा शेर जवान सी ना, वह अपने बुढ़े शेर की मदद वास्ते जिहड़े वेले नसिया आया ना, तो उन्हें सारिया कुत्तियां नूं अगे ला के ते नसा छड़िया। नसा के ते जिहड़े वेले थोड़ा जिहा पिछा गया ना, ते होर एक शेर ने उहनूं पुछिया, उहने कहा तुहाडी ते आपस दे विच नाराजगी सी, इख्तलाफ सी, एक दूजे नाल रिंझस हो, ते ऐ हुण उहनूं मतलब मुश्किल बनी ते भजदा गया, तुहाडी नाराजगी नहीं सी? उहने आखिया नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन कुत्तियां नूं इन्ना मौका नहीं देना चाहिए। समाज दे विच इन्ना भरम रखना चाहिए, इन्नी नाराजगी नहीं रखनी चाहिए कि कुत्ते भी साडी खामोशी दा, साडी नाराजगी दा नजायज़ फायदा उठाइयां। तो जो है मेरी गल, बेशक तुसीं अपनियां दे नाल गुस्से हो, नाराज़ हो, रिंझो, यारां दे नाल, दोस्तां दे नाल, अपने प्यारियां दे नाल बेशक तुहाडा कोई इख्तलाफ चल रहा, नाराजगी चल रही है, रिंझिश चल रही है, लेकिन किसी गैर नूं मौका ना दिओ कि तुहाडी उस नाराजगी का वह फायदा उठा जाए। एक बकरियां दा इज्जड़ सी, बकरियां जंगल दे विच चुगदियां सन पईआं। तुहानूं इस गल का पता, कई बंदे ने डंगर ऐसे गजाए हुंदे ने कि आप ही डंगर छड्ड आउंदे ने रोई दे विच, ते डंगर चुग चा के ना ते लैन कितार बना के ते सीधे वेली आ जांदे ने। वो बकरियां आपे जंगल दे विच चुगदियां सन ते वापस शाम दे टाइम आपे घर वाड़े दे विच आ जांदियां सन। बकरियां चुग चा के ना ते सारियां वाड़े दे विच जिहड़े वेले आ गईआं ते एक बकरी दे पिछे शेर लग गिआ। बकरी अगे अगे नसदी जाती है, शेर बकरी के पिछे पिछे पै नसद। होया इंज के अगे एक छप्पड़ जहा सी, उहदे विच गारा सी, ते बकरी नसद्या नसद्या ना छप्पड़ दे विच गारे दे विच फसी ना, ते शेर उहनूं फड़न वास्ते उहदे पिछे पै नसदा सी। उहने जिहड़े वेले झराहट मारी ना ते छाल मारी बकरी नूं फड़न वास्ते, ते उह एडी तेज़ रफ्तार सी वी इह बकरी फसी है, ते शेर उहदे उत्ते छाल मारन लगा ते बकरी तों अगे जा के ना इंज शेर चिकड़ दे विच गारे दे विच फस गया। बकरी पिछे फसी रह गई ते शेर बकरी तों अगे फस गया। होया इस तरह कि शेर ने पिछों जदों मुड़ के ये इंज वेख्या ना, ते बकरी अगों हसे पई, मुस्कुराए पई, ते शेर बकरी नूं पुछदा आखन लगा भी तू ही गारे च फसी है ते मैं भी गारे च फसे हाँ, तू हसदी क्यों है पई? ते बकरी मुस्कुरा के ते आखन लगी हसदी इस गल्ले आ पई। जदों सारियां बकरियां वाड़े च टुर गई ना, तो मालक ने गिनिया ने, तो उन्हें सारिया की पहचान है, तो उन्हें आखना यह भी आ गई है, यह भी आ गई है, यह भी आ गई है, तो जदों वो मेरी बारी आनी है ना, तो उन्होंने मैं नज़र नहीं ना आना, तो उन्हें लभदियाँ लभदियाँ इस टिकाने पर अप्पड़ आना है, तो उन्हें मैनू कढ़ के लै जाना है। हसदी इस गल आप भी मेरे पिछे तो कोई है जिन्हें आके मैनू लै जाना है, वो तेरे पिछे कौन है, तेनों किन्ने लैन आना है? मैं हसदी इस गल हाँ कि तेरे पिछे कौन है जिन्हें तेन लैन आना। बकरी गल तो जी कर छड़ी सानू सबक दे छड़िया कि भावें बंदा शेर होवे, अपने आप नू दलेर समझे ते अपने आप नू बादशाह समझे, जे पिछे कुछ भी नहीं तो बंदा उक्का बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो जो है मेरी गल, तो जे पिछा मजबूत है ना, जे पैर मजबूत ने, फंडीशन मजबूत है, तो जो है मेरी गल, जे बंदे की पोजिशन मजबूत है, उन्होंने फिर कोई डर नहीं होती। सो पोजिशन मजबूत बनाने वास्ते, पिछा मजबूत बनाने वास्ते, बैकग्राउंड मजबूत बनाने वास्ते अपने नाल बना के रखना बड़ा जरूरी है। सो अपने दे नाल विगाड़ो ना, अपने दे नाल इख्तलाफ ना बनाओ। अक्सर इंज हुंदा है कि जदों लोग अपने दे नाल सिंग फसाई रखते हैं ना, अपने दे नाल इख्तलाफ रखते हैं, तो आपस दे विच लड़दे रहिंदे ने, वो आपस दे विच सिंग फसाई रखते हैं,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।